हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे, हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। अगर किसी का सलूशन नहीं हो पाता है तो हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चन को छोड़ा गया था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना 6 अंकों की जो 18 का गुणज हो यानी 18 से कट जाए। तो देखिए, 18 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 9 से कटेगा। और 2 की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, यदि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटेगा। तो यहाँ 0 है, 8 है, 6 है, यानी 2 से ही कटेगा। अब हम चेक करेंगे 9 से कौन कट रहा है। 9 से, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट नंबर 7, तो 7वां पार्ट जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, आपको वहाँ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में ये था कि 9 से वही संख्या कटते, यदि संख्याओं का योग 9 से कट जाए, यदि संख्याओं का योग 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई, सब 0, 0 है, 0, 1 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 9 से नहीं कटेगा, 1 9 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, यानी 9 × 9 = 18, 27 = 36, कितना हो जाएगा ये 36, यानी ये 9 से कट जाएगा भाई, 36 से 9 से कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 8, 1, 9, यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है। घबराइए ना, अभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लेना है। 6, 1, 7, ये कितना होगा 7, यानी ये 9 से नहीं कटेगा, यानी 2 ऑप्शन तो हट गए। ठीक है, 2 ऑप्शन हट गए, अब बचा ये दोनों ऑप्शन। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा वो छोटी से छोटी संख्या जो 18 से कट जाए भाई। अब इसमें दोनों देखिए, दोनों में आपको कौन सा छोटा दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है आपको सी वाला छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या छोटा दिखाई रहा है, ये क्या हो रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए, 9 से शुरू है, 1 से शुरू है, तो छोटा ही होगा ना। तो क्वेश्चन में पूछा था 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला। ना हमको कोई फार्मूला लगाएं, ना कोई ट्रिक, बस आपको कॉन्सेप्ट याद करना है विभाज्यता के नियम वाला, कि 9 से कौन संख्या विभाज्य हो जाएगी, बस उसी पर हमारा आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने में 20 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंकों 3, 7, 0, 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया गया। भाई संख्या दिया है 3, 7, 0, 9, 0, 9, यही हमारा संख्या दिया हुआ है। अब कहा, इसमें क्वेश्चन पूछा है इससे निर्मित सबसे बड़ी संख्या, इससे निर्मित सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, पहले आप बड़ी संख्या लीजिए यानी 9, कितना हो जाएगा 9, इससे छोटी संख्या क्या होगी 7, इससे छोटी संख्या 3, इसकी छोटी संख्या 0, यानी ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या सबसे छोटा अंक लीजिए, तो सबसे छोटा क्या है 0 है, तो 0 पहले नहीं लिया जाता, उससे पहले जो छोटी संख्या है उसको लिया जाता है, उसके बाद 0 लिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3, इसके बाद कितना है 0, उसके बाद 7, 9। देखिए, जब बड़ी संख्या निकालना हो तो सबसे पहले वाला बड़ी संख्या रखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और जब छोटी संख्या रखना होता है तो पहले छोटी संख्या रखा जाता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन 0 अगर पहले रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर 0 पहले रख देंगे तो कितना हो जाएगा 379 हो जाएगा। तो भाई 6, 4 अंक का संख्या नहीं होगा, यानी 0 हमको इधर रखना पड़ेगा। तो इसका पूछा था अंतर कितना होता, अंतर के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा। देखिए, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार लेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, इधर कितना बचेगा 2, उधार लेगा 12, और 12 में से 7 जाएगा 5, इधर कितना बचा 6, और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कितना होगा 6, 6, 51, कितना हो जाएगा 6, 6, 51। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
डी वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। भाई देखिए 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, दिया कितना है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान कितना होगा। भाई यही तो 3 है, 3 का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, आप अगर ऐसी अगर दशमलव नहीं लगा होता यहाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ कितना 543, कितना है 543, तो किसी का स्थानीय मान पूछा जाए तो जैसे 3 का स्थानीय मान कितना होता है 3, 4 का स्थानीय मान कितना होता है 40, और 5 का कितना होता है 50। आपने पढ़ रखा होगा 3 का स्थानीय मान 3 होता है क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, सॉरी यहाँ 500 आएगा, ये क्या है इकाई है तो 3 हो जाएगा, ये दहाई है तो 40 हो जाएगा, सैकड़ा है तो 500 हो जाएगा। लेकिन जब दशमलव में आता है तब कैसे निकाला जाता है, भाई देखो दशमलव में निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, इसके नीचे आप कितना मानिए 1, जितने अंक रहे उतने 0 मान लो। अब देखिए 3 तक लेना है, 3 तक कितने अंक, 4 अंक है तो कितने 0 बन जाएंगे 4, कितने 0 बन जाएंगे 4, यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3 बटे, कितना हो जाएगा इसमें कितना दिया ऑप्शन 3/10000, कितना हो जाएगा 10000, 3/ कितना हो जाएगा 10000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए, बहुत लोग ये गलती करेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखिए इसमें शायद 3/10 भी दिया होगा, कितना, हाँ 3/10 पहला दिया है। अगर आप ये पॉइंट वाला नहीं जानेंगे तो ये वाला आप पढ़ रखे हैं, आपको दिमाग पे यही आएगा कि कितना हो जाएगा 3/10, और पहले ऑप्शन करके आ जाएंगे, आपका पूरा गलत हो जाएगा। दशमलव में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा दिया जाता है वहीं। अब जैसे इसमें पूछ लिया होता है कि 4 का कितना होगा स्थानीय मान, तो 4 का कितना होगा भाई जी, दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है तो कितने 0 आ जाएंगे नीचे 3 0 आ जाएंगे। 5 का पूछा होता तो 5 का पूछा होता कितना 5/100 हो जाता, 5/ कितना हो जाता 100, क्योंकि इसके बाद कितने 2 अंक है तो 2 0 आ जाती। उम्मीद कर रहे हैं दशमलव वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या उसके पांचवे भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके पांचवे भाग से 5000 अधिक है। मान लेते हैं उस शहर की जनसंख्या कितनी है x है, तो कह रहा है उस शहर की जनसंख्या उसके पांचवे भाग यानी x बटे 5, पांचवा भाग यही तो होगा, उसके पांचवे भाग से 5000 अधिक है, यही तो क्वेश्चन में कहा है। मान लेते हैं शहर की जनसंख्या x है, x का पांचवा भाग कितना होगा x बटे 5, और ये जो ये है इससे पांचवे भाग से कितना अधिक है 5000, तो इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा x माइनस के x बटे 5 बराबर 5000, सॉरी 5000, तो इधर करेंगे कितना हो जाएगा ये 5x माइनस के x बटे 5 बराबर 5000, तो 5x में से 1x जाएगा कितना बचेगा 4x बराबर 5000, और त्रिक गुणा कर दीजिए साथ में 5 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 4 नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5000 गुणे 5/4, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 इधर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, और 125 पचे कितना होगा 125 पचे कितना होगा 625, और 10 आ जाएगा, यानी हमारी शहर की जनसंख्या कितनी थी 6250, कितनी थी 6250। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, कौन सा हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के एक तिहाई अंक मिले, यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले। भाई देखो कह रहा क्वेश्चन में राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के एक तिहाई अंक मिले। मान लेते हैं अगर राजीव को अंकगणित में x नंबर मिले, मान लेते कितना अंकगणित में इनको मिल रहा है x नंबर, तो कह रहा है अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का एक तिहाई अंक मिला, तो अंग्रेजी में कितना अंक इसको मिला भाई x/3,
यही तो मिला, और कह रहा कुल नंबर 128 मिली। भाई कुल नंबर 128 मिली यानी अंक गणित का नंबर और अंग्रेजी का नंबर जोड़ के तो 128 होगा। x x प्लस 3 बराबर 128, त्रियक गुणा करेंगे किधर कितना हो जाएगा 3x और प्लस के x बटे 3 बराबर 128, इधर कितना हो जाएगा 4x बराबर 128 और 3 इधर कर दीजिए, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 2 8 और 32 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 32 3 96, यानी कुल अंक कितने का था 96। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला, निस्वारी इसमें पूछा था अंक गणित में कितने अंक मिले। भाई अंक गणित में कितने अंक मिले, अंक गणित में हम कितना माने थे x माने थे, x का मान कितना आ गया 96, यानी अंक गणित में कितने नंबर मिले राजीव को 96 नंबर मिले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, 2014 में पूछा जा चुका है, दिया है दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है, तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। भाई देखिए मान लेते हैं पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो क्वेश्चन में कहा था पहली संख्या का 38% यानी x का 38% परसेंटेज हटे दे नीचे क्या आ जाएगा 100, दूसरी संख्या के 52% के समान है, दूसरी संख्या y है इसके 52% के क्या है ये समान है, तो 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो y इधर लाइए 38 इसके नीचे ले जाइए, यानी कितना हो जाएगा x बटे y बराबर 52/38, कितना हो जाएगा 52/38, दो से काट दीजिए तो 26×52 और 19×38 कितना आ जाएगा 26:19, कितना आ जाएगा 26:19। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है लेकिन 2014 में पूछा जा चुका है, अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा यूनिट चेंज करने का तो आप गलत भी कर सकते हैं। दिया है 4 घन मीटर का मान क्या है, भाई 4 घन मीटर, 4 घन मीटर का मान क्या है। अब सारे ऑप्शन किस में दिया है, घन सेंटीमीटर में दिया, किस में दिया है घन सेंटीमीटर, यानी घन मतलब क्या होगा क्यूब होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। भाई घन का मतलब क्या होता है क्यूब ही तो होता है, यानी ये 4 घन मीटर है तो इसको हम 4 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। जो हमारा आंसर पूछा वो किस में पूछा है सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो देखिए 1 मीटर अगर बदलना होता तो 100 से गुणा करते हैं, और मीटर कितने बार है 3 बार है, तो किससे गुणा करेंगे 100 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 4×100×100×100, क्योंकि देखिए मीटर कितने बार है क्यूब है तो 3 बार है, यानी 3 बार 100 का गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 है 2 0 2 0 और 2 0 कितने हो जाएंगे 6 0 हो जाएंगे 4 5 6, यही हमारा क्या हो जाएगा ये घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब दोनों बात एक ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई सी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योगफल 210 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, इसको रेशियो में हम मान लेते हैं, पहला 2 रेशियो हो दूसरा 3 रेशियो हो, कह रहा उनका योगफल 210 है, भाई इन्हीं का योगफल तो दिया है, यानी 2r + 3r बराबर कितना हो जाएगा 210, ये कितना हो जाएगा 5r = 210, 5 से काट देते हैं 5×20 इधर 1 बचेगा 5×10, यानी r बराबर कितना आ गया 42 आ गया। तो इसमें पूछा था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, भाई छोटी संख्या तो यही 2r होगा, 1r का मान 42 है तो 2r का मान कितना होगा 42×2, अब 42×2 कितना हो जाएगा 2×2=4, 2×4=8, यानी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 84। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को
पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन सी है? भाई कह रहा है चार क्रमागत प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से शुरू होता है, एक से जितनी नंबर आप अनंत तक लिख लीजिए वो सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। यानी हमारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं ये कितनी होती हैं? एक से शुरू होता दो तीन डॉट डॉट अनंत तक लिख लीजिए, ये सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। तो कह रहा है क्रमागत चार प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कौन करेगा? तो क्रमागत चार संख्या क्या हो जाएंगी? एक दो तीन और चार। यही तो चार क्रमागत हो गई, इनका गुणनफल करके देख लीजिए। दो एकम दो, ये कितना हो? एक का दो में करेंगे दो, या दो तीन छः चौ चौबीस, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? चौबीस। कितना हो जाएगा? चौबीस। तो कह रहा गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निम्न से है, तो कौन सा हो जाएगा? चौबीस। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। दोस्तों ये तो हम तो पहले कर दिए, आप आगे भी चेक कर सकते हैं। चार क्रम संख्या है, दो चार, अगला हम ले लेते हैं दो तीन चार और पाँच, यही तो चार संख्या होगी। देखिए ये क्या 24 से डिवाइड हो रहा है, तो दो तीन छः चौक 24, 24 गुणे पाँच, भाई 24 से होगा कि नहीं डिवाइड? 24 से हो जाएगा। आगे आपको जितना भी चेक करना चेक कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 24 वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिए कह रहा दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 399। तो कह रहा उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिए विषम संख्याएं कैसे आती है? विषम संख्या क्या होती है? एक होता है, तीन होता है, पाँच होता है और सात होता है, यही तो विषम संख्या होती हैं। यानी सब में देखिए आप यहाँ पर प्लस दो जुड़ रहा है, यहाँ प्लस दो जुड़ रहा है, प्लस के दो जुड़ रहा है। देखिए दो जुड़ा है तो तीन हुआ, तीन में दो जुड़ा है पाँच हुआ, पाँच में दो जुड़ा है तो सात हुआ। यानी अगर कोई संख्या है तो अगर एक संख्या हम एक ले रहे हैं तो अगर हम अगला विषम संख्या कितना होगा? उसमें दो जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम पहली संख्या x ले रहे हैं तो अगली विषम संख्या कितना होगा? x प्लस टू होगा। फिर अगली विषम संख्या अगर लेना रहे तो कितना हो जाएगा? x प्लस के फोर। इसमें फिर दो दो जुड़ता चला जाएगा और हमारे क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो कह रहा है दो विषम संख्याओं का गुणनफल यानी x और x प्लस टू का गुणनफल कितना दिया है? 399। तो बताना है छोटी संख्या क्या होगी। भाई इसको आप फार्मूले से गुणा करके लगाएंगे तभी सही रहेगा, लेकिन हम आपको शॉर्टकट बताते हैं इसको कैसे निकालेंगे बहुत कम समय में। ये कितना है? 399 है, इसमें एक जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 400। और 400 का वर्गमूल कितना निकलता है? 20। 400 का वर्गमूल कितना निकलता है? 20। यानी 20 इसकी मध्य की संख्या हो गई, तो एक इससे कम कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और एक इससे अधिक कितना हो जाएगा? 21। देखिए ये दोनों विषम संख्या हो गई कि नहीं? अब इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना होगा? 399 होगा। आप चेक कर लीजिए 21 में 19 का गुणा करके, 19 से कम 19, हाथ में एक, और 19 दूनी 38, 38 एक 39 हो जाएगा कि नहीं? यानी 21 और 19 का तो गुणनफल हो रहा है 399, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? 19 होगी। छोटी संख्या कौन सी होगी? 19 होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए, हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना, इसमें एक जोड़ दीजिए, यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल निकालेगा कितना हो जाएगा? दो। ये दो क्या है? सम संख्या है। यानी इससे पहले एक विषम होगा, इसके बाद एक विषम होंगे, तो इसके पहले विषम संख्या क्या होगी? 19, और इसके बाद 21। तो इन दोनों गुणनफल चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा। और छोटी संख्या तब क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगी। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं पता तो आप इसका गुणा करके लगा सकते हैं। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे तो दो घात समीकरण बनेगा, वहाँ से अब लगाएंगे, वहाँ से भी आंसर आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक दो अंकों की संख्या और उसकी अपने अंकों के योग का अनुपात 7:1 है, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो संख्या है। भाई देखिए क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, कहा इसमें एक दो अंकों की संख्या और उसके अपने अंकों का योग का अनुपात कितना है? 7 है। यानी जैसे हम कह रहे हैं, मान लेते हैं 25 है, कितना है? 25 है।
कह रहा है ये जो संख्या 25 ले रहे हैं और इनके अंकों का योग, यानी इनके अंकों का योग कितना होगा, 2+5, तो इसका ये कितना आएगा, 25/7। कह रहा है ये रेशियो कितना आना चाहिए, 7:1 दिया, कितना दिया है, 7:1। बात को समझिए, यदि संख्या हम 25 ले रहे हैं और इनके योग का रेशियो कितना होना चाहिए, 7:1 होना चाहिए, और इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक ज्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए 65 और 6+5 कितना हो जाएगा, 11, क्या ये 7 गुना हो रहा है, 11 × 7 = 77 हो जाएगा, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना है 43, ये कितना है 43, और 4×3 कितना होगा 7, देखिए 7×7 = 49 होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना है 32, और 3×2 कितना होगा 5, 5×7 = 35, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना है 21, तो 2×1 कितना होगा 3, और 3×7 = 21, यानी 7/1, यानी 7:1 आ गया। तो हमारा यही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें 21, यही तो 7:1 हो रहा है। अब देखिए इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है कि नहीं, एक है, ये कितना है 2, इससे क्या एक अधिक है कि नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन को आप जब समझेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगता, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात क्या है। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, कितना है, मान लेते हैं जो हमारी बड़ी संख्या है वो कितना है x है, और छोटी संख्या कितना है y है। तो क्वेश्चन में कह रहे दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, संख्याओं का अंतर उनके योग का, योग ही होगा ना, कितना है 45% है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात बताइए, यानी क्वेश्चन में पूछा है कि x अपॉन y का रेशियो कितना होगा, यही तो पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 5 से काटते हैं, 5×9 = 45, और 5 से इसको काटेंगे कितना होगा, 20×5 = 100। अब क्या करेंगे भाई, तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा 20x और माइनस के 20y, यही तो होगा 20x - 20y, और 9 का इधर कर दीजिए 9x + 9y। अब x को एक साइड रखिए, y को एक साइड, 9x इधर लाइए, इधर देखिए कितना है 20x है, इधर कितना है 9x, इधर आए घट जाएगा तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा ये 11x बचेगा, कितना बचेगा 11x, और 20 को उधर ला के जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20y, और 9y कितना हो जाएगा 20×9 = 29y। हमारा x अपान y का रेशियो पूछा है, तो y इधर लाइए 11 उधर ले जाइए, यानी x अपान y बराबर कितना हो जाएगा 29/11, कितना हो जाएगा 29/11। तो इसमें पूछा था बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 29/11, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, कौन सा हो जाएगा सी वाला। इसको तो भाई बटे में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 29:11। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसे आपको पता होगा हमारे प्रीवियस ईयर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैथ का वीडियो हमारा 7 बजे अपलोड होता है और रीजनिंग का 9 बजे अपलोड होता है। कुछ दिन के बाद हम साइंस का भी स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।